हाय फ्रेंड्स आर यू आप सब बहुत अच्छे होंगे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन सी ऐसी जो को की गई है। so, अगर आप अपने खुद के प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में मैं आपको सारी एरियाज बताऊंगा जहाँ पे बेंगे कॉस्ट अकाउंटेंट आप अपने प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो आप ऑडिट्स कर सकते हो सो so, हम वन बाय वन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं सबसे फर्स्ट अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आता है वो कंपनीज एक्ट आता है कंपनीज एक्ट में कॉस्ट ऑडिट है जो सी के पास एक्सक्लूसिव राइट्स है कॉस्ट ऑडिट का इसके अलावा आप बिंग कॉस्ट अकाउंटेंट आप इंटरनल ऑडिट भी कर सकते हो सेक्शन वन थर्टी एट है इंटरनल ऑडिट के लिए जो सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज को स्पेसिफाई करती है जिन्हें इंटरनल ऑडिट करवाना होगा सो इंटरनल ऑडिट के लिए सीएमएस भी एलिजिबल है सीएमएस भी इंटरनल ऑडिट कर सकते हैं अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो जीएसटी में सेक्शन थर्टी फाइव सब सेक्शन फाइव है जो जीएसटी के मैंडेटरी ऑडिट के बारे में बात करता है उसमें कुछ थ्रेश होल्ड लिमिट है अगर उसको आप क्रॉस करते हो तो आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रैक्टिसिंग सीएमएस से ऑडिट करवाना पड़ेगा बट अभी ये सेक्शन एवोलिसमेंट के ऊपर बात चल रही है सो इन फ्यूचर ये सेक्शन नहीं रहेगा बट इसके अलावा स्पेशल ऑडिट है जो अंडर जीएसटी जो स्पेशल ऑडिट गवर्नमेंट करवाएगी वो उसका आपके पास अथॉरिटी होगा कॉस्ट अकाउंटेंट आप स्पेशल ऑडिट कर सकते हैं क्लाइंट्स के बुक्स को आप एक्सेस कर सकते हो और जहाँ तक मुझे लगता है ये सेक्शन थर्टी फाइव सेक्शन फाइव की जो ऑडिट है वो नियर फ्यूचर में फिर से आएगी और अभी लास्ट फाइनेंस ईयर तक के लिए एप्लीकेबल है इसके बाद हम बात करते हैं कस्टम में तो कस्टम में भी स्पेशल ऑडिट होता है कस्टम में नॉर्मल ऑडिट नहीं होता कोई जैसे आपने जीएसटी में देखा थर्टी फाइव सेक्शन फाइव की ऑडिट होती है इनकम टैक्स में ऑडिट होती है कंपनीज एक्ट की ऑडिट होती है उस तरीके से कस्टम में कोई भी मैंडेटरी ऑडिट नहीं है बट हाँ जब भी मिनिस्ट्री को लगता है जब भी गवर्नमेंट को लगेगा तो वो स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करवा सकती है सो तो उस स्पेशल ऑडिट के लिए जो क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबिलिटी है उसमें सी एम भी है बीइंग ए कॉस्ट अकाउंटेंट आप कस्टम्स के स्पेशल ऑडिट आप कर सकते हो इसके अलावा देखो मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं बहुत सारे ऐसे मिनिस्ट्रियल बॉडी है जो कि सीएमएच को इंटरनल ऑडिट एंड कॉन्करेंट ऑडिट के लिए अलाउ करती है आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो अगर आप प्रैक्टिस अपनी कर रहे हो तो आप इंटरनल ऑडिट एंड कॉन्करेंट ऑडिट कर सकते हो जैसे यहां पे देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आपको अलाउ करती है इसके अलावा आप देख सकते हो नवार्ड जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है वो भी आपको स्टॉक ऑडिट फॉर वर्किंग कैपिटल फाइनेंस एज प्रिस्क्राइब बाई नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल नवार्ड आपको इसके लिए भी अलाउ करती है कि आप स्टॉक ऑडिट कर सकते हो फॉर वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के लिए इसके अलावा जो एन एस डी एल है नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड ये भी आपको इंटरनल ऑडिट एंड कॉन्क्रीट ऑडिट के लिए अलाउड करती है आप यहाँ पे भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो इसके अलावा देखो बहुत सारे रिस्पेक्टिव बैंक है जो सी एम एच को फॉरेंसिक ऑडिट कॉन्ट ऑडिट स्टॉक ऑडिट के लिए अलाउड करती है सो so, इसकी लिस्ट भी है मेरे पास मैं आपको ये पीपीटी खत्म होने का दो सारी लिस्ट मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा सो so, आपको मालूम होगा कि कॉस्ट अकाउंटेंट आप किन किन एरियाज पे किन किन बैंकस के साथ आप अपना काम को आप स्टार्ट कर सकते हो इसके अलावा मैं आपको बात करूँ ये पॉइंट ना मेरा सबसे फेवरेट है स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट देखो वेरियस स्टेट गवर्नमेंट है जो फाइनेंशियल अकाउंट्स यानी प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के लिए सी को ऑथोराइजेशन देता है कि आप हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज का बुक्स ऑफ अकाउंट को आप ऑडिट कर सकते हो जो एक बहुत अच्छी बात है बिकॉज हम हमेशा सोचते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंट्स का ऑडिट हमारे पास नहीं है लेकिन हाँ कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे पास वो राइट्स है जहाँ पे हम फाइनेंशियल अकाउंट्स का हम ऑडिट कर सकते हैं इसके अलावा स्पेशल इस ऑडिट भी है जैसे कॉस्ट ऑडिट एंड परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर रिस्पेक्टिव कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल महाराष्ट्र कर्नाटका पंजाब एंड दिल्ली और मुझे जहाँ तक लगता है धीरे धीरे ये सिनेरियो बढ़ते जाएगा अदर स्टेट गवर्नमेंट्स भी जरूर अलाउड करेगी इसके अलावा इंटरनल ऑडिट भी आप कर सकते हो सो so, कहीं ना कहीं ये पॉइंट मेरा सबसे फेवरेट है जितने भी सी एम एच के पास ऑथोराइजेशन है Because और जो भी सारे ऑथोराइजेशन है वो कहीं ना कहीं हमें मिलना ही चाहिए था और इसलिए हमारे पास है बट यहाँ पे मुझे लगता है सीएमए का ये कहा जा सकता है कि हम किसी और के घर में जाके अपना घर बनाए सिक्योरिटीज ज बोर्ड ऑफ इंडिया सीबी पे हाफ एयरली सब के भी आपके पास ऑडिट्स है तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो सी एम एच के पास काफी सारे ऑडिट्स है ऐसे और काफी अच्छी अच्छी जगह की ऑडिट है ऐसा नहीं है की सिर्फ कॉस्ट ऑडिट ही बहुत मतलब है इसके अलावा और कुछ है नहीं सीमे के पास आप ऐसा नहीं सोच सकते हो

तो आप यहाँ देख सकते हो वहाँ पे लिस्ट ऑफ बैंक है जो सीएमएच को स्टॉक ऑडिट के लिए इसके अलावा फॉरेंसिक ऑडिट के लिए ये सारी चीज के अलाउ करती है सो so, देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर सारी इंडियन ओवरसीज बैंक फॉरेंसिक ऑडिट के लिए अलाउ करती है सीएमएच को इसके अलावा विजया बैंक जो है सीएमएच को प्रोफेशनल स्टाफ फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडिया इसके लिए भी अलाउ करती है तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो बहुत सारी ऐसी लिस्ट लिस्ट काफी लंबी है फेडरल बैंक मतलब अच्छी अच्छी बैंक है जो भी इंडिया की टॉप मोस्ट बैंक से कहीं ना कहीं सारे सी एम एच को किसी न किसी सर्टिफिकेशन के लिए डेफिनेटली अलाउ कर रहे हैं सो होप सो कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी इसके अलावा मेरे पास इंड एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है जो भी जो मैं आपके साथ वो भी शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ केरला की जो केरला गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म रूल्स इन्होंने 2020 में एक न्यू रिफॉर्म रूल लाया जिस जिसपे इन्होंने मेल किया है सी इंस्टीट्यूट को इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेट ऑफ इंडिया जिसमें ए आई सी डब्ल्यू एफ आई सी डब्ल्यू एज ए पैरल क्वालिफिकेशन टू कॉरस्पॉन्डिंग मेंबरशिप इन चार्टर अकाउंटेंसी फॉर द परपज ऑफ अपॉइंटमेंट टू पोस्ट एंड सर्विस अंडर गवर्नमेंट इन द अप्रोप्रिएट फील्ड इट मीन्स ये ए सी एम ए को इक्वलेंट मानती है सी ए के अगर एफ आई सी डब्ल्यू ए है तो एफ सी ए के इक्वलेंट है ए आई सी डब्ल्यू ए है तो ए सी ए के इक्वलेंट यानी एसोसिएट मेंबर एसोसिएट मेंबर के फेलो मेंबर फेलो मेंबर के इक्वेलेंट है एंड ऑल जो भी वैकेंसीज आएगी केरला गवर्नमेंट की वो दोनों के लिए पैरलर आएगी वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा दोनों के साथ सो रिसेंट अपडेट है लास्ट ईयर का होप सो so, आपको काफी अच्छा लगा हो इस अपडेट को देखने के बाद तो so, धीरे धीरे ही चीजें बदलेगी एक दिन में चीजें नहीं बदल सकती एक ओवरनाइट सक्सेस जो इंसान करता है एक दिन में जो फेमस होता है उसने भी शायद अपनी लाइफ में कितना एफोर्ट किया होगा तभी वो ओवरनाइट सक्सेस कर पाता है सो दे आर दे लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क इंक्लूडेड इन ओवर ओवरनाइट सक्सेस सो सेम थिंग छोटी छोटी चीज़ों से ही हमारे इंस्टीट्यूट भी आगे बढ़ेगी सो so, आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय टेक केयर बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू